पंचायती राज के आईनी और अहम मसाइल। हिंदुस्तान में हर साल 24 अप्रैल को जमहूरियत की बुनियाद के तौर पर यौमे पंचायती राज मनाया जाता है। पंचायती राज निजाम के जायजे से ये मालूम होता है कि 24 अप्रैल को यौमे पंचायती राज मनाने की वजह 73वीं आईनी तरमीम एक्ट 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से नाफिज हुआ था। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और किसी भी मुल्क, रियासत या इदारे को हकीकी मानों में सिर्फ उसी वक्त जमहूरी तसव्वुर किया जा सकता है जब वहाँ इख्तियारात के मुनासिब डिसेंट्रलाइज्ड हो और तरक्की का बहाव ऊपरी सतह से जमीनी सतह के बजाय ऊपरी सतह तक हो। साल 2004 में पंचायती राज को एक अलाहिदा वजारत का दर्जा दिया गया ताकि पंचायती राज निज़ाम में तरक्की के बहाव को ज़मीनी सतह से ऊपरी सतह तक पहुंचाया जा सके। हिंदुस्तान में पंचायती राज की तश्कील और बाइख्तियार बनाने का तसव्वुर महात्मा गांधी के फलसफे पर मबनी है। 73वीं आईनी तरमीम एक्ट की खसूसियात। इस आईनी तरमीमी एक्ट के जरिए आईन में हिस्सा 9 शामिल किया गया। पंचायती राज से मुताल्लिक दफात पर असल आईन के हिस्सा 9 के तहत बहस की गई है। हिस्सा 9 में पंचायती राज से मुताल्लिक दफात पंचायत के उन्वान के तहत आर्टिकल 243 ओ तक शामिल है। हल्का मजलिस गांव की सतह पर उन इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती है और कामों को अंजाम दे सकती है जो रियासती मुकन्नना के जरिए तजवीज की गई है। 73वीं आईनी तरमीम के जरिए 11वीं शेड्यूल को आईन में शामिल की गई और उसके तहत 29 मजामीन की फहरिस्त तरतीब दी गई। पंचायत के सभी नशिस्तें उन अफराद से पुर की जाएगी जो पंचायत के हलकों से बराए रास्त इंतखाबात के जरिए मुंतखब होंगे। उसके लिए हर पंचायती इलाके को इलाकाई हलकों में इस तरह तकसीम किया जाएगा कि हर हलके की आबादी और मुख्तस इलाकों की तादाद के दरमियान तनासुब काबिल अमल हो और सभी पंचायती इलाकों में एक सा हो। आईन का आर्टिकल 243D दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए नशिस्तों के रिजर्वेशन का इंतजाम करता है। हर पंचायत में सीटों की रिजर्वेशन वहां की आबादी के तनासुब से होगी। पंचायत राज के मसाइल। पंचायतों के दायरे इख्तियार को बढ़ाने की जरूरत है ताकि वो अपने फंड खुद इकट्ठा कर सके। पंचायतों के काम में इलाके के एमपी और एमएलएस की मुदाखलत भी उनकी कारकर्दगी को बुरी तरह मुतासिर करती है। 73वीं आईनी तरमीम ने सिर्फ मकामी खुद मुख्तार इदारों की तश्कील को लाजमी करार दिया। उसने इख्तियारात, अफाल और मालियात रियासती मुकन्नना को सौंपने का फैसला भी छोड़ दिया है। पंचायती राज इदारों की नाकामी की बुनियादी वजह थी। तालीम, सेहत, सफाई और पानी की फराहमी जैसे गवर्नेंस के मुख्तलिफ कामों की मुंतकली लाजमी नहीं थी। तरमीम में उसके बजाय उन अफाल की फहरिस्त दी गई जिन्हें मुंतकिल किया जा सकता है। यह भी रियासती मुकन्नना पर छोड़ दिया गया कि वह असल में अफाल को मुंतकिल करे। पिछले 26 सालों में इख्तियारात और अफाल में बहुत कम तब्दीली हुई है क्योंकि यह अफाल कभी मुंतकिल नहीं हुए थे। उन कामों को अंजाम देने के लिए रियासती एग्जीक्यूटिव ने तौसी की है। सबसे आम मिसालें मुख्तलिफ रियासतों की वाटर बॉडीज है। तरमीम की बड़ी नाकामी पंचायती राज इदारों के लिए मालियात की कमी है। मकामी हुकूमतें या तो मकामी टैक्सों के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा सकती है या बैनुल हुकूमती मुंतकिली हासिल कर सकती है। पीआरआई के दायरे कार में आने वाले मजामीन पर भी टैक्स लगाने का इख्तियार
रियासती मुकन्नना के जरिए खास तौर पर इख्तियार किया जाना चाहिए। 73वीं आईनी तरमीम ने इसे रियासती मुकन्नना के जरिए एक ऑप्शन के तौर पर खुला छोड़ दिया है। उसके पास एक ऑप्शन भी है जिसे ज्यादातर रियासतों ने इस्तेमाल नहीं किया। आमदनी पैदा करने का एक और तरीका बैन हुकूमती मुंतकिली है, जहां रियासती हुकूमतें अपनी आमदनी का एक खास फीसद पंचायती राज इदारों को मुंतकिल करती है। आईनी तरमीम ने रियासती मालियाती कमीशनों के लिए रियासती और मकामी हुकूमतों के दरमियान महसूलात के इश्तराक की सिफारिश करने के लिए इंतजाम किए हैं। हालांकि ये सिर्फ सिफारिशात है और रियासती हुकूमतें उन पर अमल करने के पाबंद नहीं हैं। अगरचे मालियाती कमीशन ने सभी सतहों पर फंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा मुंतकिली की वकालत की है, लेकिन रियासतों की तरफ से फंड्स की मुंतकिली के लिए बहुत कम कार्रवाई की गई है। पंचायती राज इदारे ऐसे प्रोजेक्टों को शुरू करने से गुरेज हैं जिनके लिए किसी भी मायने खैज माली अखराजात की ज़रूरत होती है। अक्सर वह मकामी इंतजामिया की बुनियादी ज़रूरियात को भी पूरा करने से कासिर रहते हैं। पंचायती राज इदारे भी साख्ती कमियों का शिकार है, यानी कोई सेक्रेटरियल सपोर्ट और तकनीकी इल्म का वाज़ह इजाफा नहीं जो ज़मीनी सतह पर मनसूबाबंदी के मजमू को रोकता है। हल्का मजलिस विलेज कमेटी के इजलासों में एजेंडा और मुनासिब ढांचे का फुकदान है। अगरचे खवातीन और पसमानदा तबकात 73वीं तरमीम के जरिए लाजमी रिजर्वेशन के जरिए पंचायती राज इदारों में नुमाइंदगी मिली है। हालांकि खवातीन और पसमानदा तबकात की नुमाइंदों के मामले में बितरतीब पूंजीपति और नुमाइंदगी मौजूद है। पंचायती राज इदारों के आईनी निज़ाम के 26 साल बाद भी एहतसाब का निज़ाम बहुत कमज़ोर है। कामों और फंड्स की तकसीम में उबहाम के मसले ने रियासतों के साथ इख्तियारात के इर्तिकाज की इजाज़त दी है और इसी तरह उन्हें मुंतखब नुमाइंदों को कंट्रोल करने से रोक दिया है जो ज़मीनी सतह के मसाइल से ज़्यादा बाखबर और हसास है।